नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर ने, आप सभी लोगों में से किसी एक ने एक सवाल किया है कि फोटोशॉप CS3 में जब हम किसी भी फाइलों को ओपन करते हैं तो अलग अलग विंडो में अलग अलग पेजेस में ओपन होती है, लेकिन अगर हम फोटोशॉप CC में करते हैं तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यहाँ देखेंगे, फोटोशॉप CS3 को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर अबाउट में आके सिस्टम इन्फॉर्मेशन मैं चेक करूँगा, देखेंगे यहाँ पर ये वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं CS3 का। ध्यान से समझेंगे इन चीज़ों को तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर मैं आपको फाइल में आऊँगा, न्यू में क्लिक करूँगा और 4664 डाला हुआ है। फाइल पेज बना रहा हूँ, बिल्कुल कंप्लीट सही तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही है। ठीक है, यहाँ इसको ड्रैग करूँगा थोड़ा सा, या फिर यहाँ क्लिक करके इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो ये इस टाइप से बन जाएगा। तो देखेंगे ये सब चीज़ें चालू है, लेकिन अगर मैं किसी भी फाइल को, जैसे मुझे 5 फ़ोटो एक साथ बनानी है तो 3, 4 और 1, 5, ये पूरी फ़ोटोज़ को सीधे सिंगल क्लिक में ड्रैग एंड ड्रॉप करके फ़ोटोशॉप में ओपन कर लूँगा तो ये बिल्कुल आसानी से ओपन हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा से सभी सवाल जवाब करते हैं कि अलग विंडो का मतलब ये हुआ कि ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है और ये फाइल अलग है, ताकि आप अलग अलग तरीके से इसको मूव करा लें। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ को समझ लेंगे। फोटोशॉप 7.0 में भी लगभग सेम ही ऐसा ही प्रोसेस होता है, लेकिन फोटोशॉप CC में ऐसा क्यों नहीं होता, यही सवाल पूछना चाह रहे थे कि अलग अलग विंडो में चीज़ क्यों नहीं होती। यहाँ से क्लोज में क्विक क्लोज कर दूंगा, एक्सिट कर लूँगा मैं, फ़ोटोशॉप CC ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको समझा दूँ कि फ़ोटोशॉप जो CS3 है वो ओल्ड वर्ज़न है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर देखो, स्टॉप वर्क का आ गया था बटन, तो इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। फोटोशॉप CC जो है वो ओल्ड वर्ज़न है, और जैसे जैसे कंपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है, वैसे वैसे चीज़ों को सुधार करती है, वैसे वैसे वहाँ पर एक स्पेशल चीज़ लेके आती है, कुछ फंक्शन बेहतर लेके आ जाती है। ये फोटोशॉप CC का कौन सा वर्ज़न है ये भी चेक कर लो, यहाँ पर भी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखेंगे 14.2 का ये वर्ज़न है और यहाँ सारी चीज़ें काम कर रही है। अब यहाँ से मैं अगर फोटोशॉप में एक फ़ाइल लेके आता हूँ, मानो ये फ़ाइल मुझे बनानी है, तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आऊँगा, ये फ़ाइल तो आ गई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ ये फ़ाइल तो आ गई है, लेकिन ये चीज़ क्या है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। जूम करके देख लो, बिल्कुल सही तरीके से फुल HD में काम कर रही है, लेकिन यहाँ मुझे एक और फ़ोटो बनाना है, तो इस फ़ोटो को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आऊँगा यहाँ और ड्रैग करूँगा, तो ये फ़ोटो इधर ना विंडो बनाते हुए इसी के ऊपर चढ़ गई। ध्यान से देखेंगे इसी के ऊपर, तो ये एडवांस फंक्शन है, जैसे आपको लिंक करना होता है उस टाइप का एक एडवांस फंक्शन है, जो कि फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं एक साथ, अगर मैं इसको कट कर दूँ, यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको कट कर दूँ तो, और एक साथ इतनी चारों फ़ोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, तो ये भी अलग अलग विंडो में ही ओपन होगी। ध्यान से देखेंगे, लेकिन अगर आप, जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ से, लेकिन अगर आप एक फ़ाइल को पहले ला लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद में दूसरी फाइल को लाते हैं, तो आपको यहाँ ड्रैग करेंगे तो इसको ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को, इसी फाइल को ड्रैग करके लाएंगे, और ये यहाँ पर एक लाइन दिख रहा है, क्रॉस वाला बटन, एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर छोड़ेंगे तो अलग अलग फाइल आएगी। यही फोटोशॉप CC का थोड़ा सा चेंजेस है। अगर आप इधर कहीं भी छोड़ते हैं स्पेस में, यहाँ पर छोड़ देंगे तो अलग आ जाएगी। जैसे इसके ऊपर अगर ये जो पेज है, ये जो पेज दिख रहा है पूरा पूरा ड्रैग, अभी आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, देखेंगे ये जो डायलॉग बॉक्स, देखें यहाँ लाइन बनी हुई है, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये लाइन नज़र आ रही है आपको। इस लाइन पर अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी फ़ोटो इसके अंदर आ जाएगी, और इधर छोड़ेंगे या फिर इधर क्लिक रखेंगे तो ये फ़ोटो एक नई विंडो में ओपन होगी। तो सारे विंडोज़ यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या चीज़ है, किसी प्रकार के एडवांस फंक्शनों को एडजस्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को कंपनियाँ ऐड करती है, और ये ट्रिक और टिप्स कहलाते हैं, और यहाँ पर फंक्शनैलिटी भी ज़रूरी है। जो लोग इस वर्ज़न को यूज़ करते हैं, फोटोशॉप CC यूज़ करते हैं, उनको पता है कि इसका बेनिफिट क्या है और कब ये चीज़ सही तरीके से काम आती है। मान लो आप JPG फ़ोटो को ओपन करा रहे हो तो वो सीधे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट होके एक ही पेज में आ जाती है, PSD हो वो भी आ जाती है। तो यहाँ कई कई जगह से छोटे छोटे बेनिफिट इसके हैं। तो ये चीज़ ऐसे काम करती, क्या क्या चीज़ थी, कैसे कैसे, कौन कौन सी प्रोसेस थी, सारी चीज़ों को हमने इसमें डिस्कस किया, और कोशिश किया कि इस चीज़ को मेंशन कर सकूँ आप लोगों को, ये चीज़ क्या है और कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है। तो बस यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा था ट्यूटोरियल कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल आर्ट बालाघाट को। फोटोशॉप से रिलेटेड कोई भी प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट देखने के लिए आर्ट बालाघाट की एल्बम सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करो, वहाँ पर आपको प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें देखने को मिलेगी।
तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर प्लगइन या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा सकता हूँ बिल्कुल चीप प्राइस में। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।